रिवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और सिंपली स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। कौन कौन से पार्ट होते हैं न्यूरॉन के अंदर एंड इसके अलावा क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि ये जो नर्वस सिस्टम होता है ये नर्वस टिश्यू का बना होता है। ठीक है, जो नर्वस सिस्टम है ये बना होता है नर्वस टिश्यू का, और ये नर्वस टिश्यू जो है इसके अंदर दो कंपोनेंट होंगे, या तो इसके अंदर हो सकते हैं नर्व सेल जिनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स, सेकंड यहाँ पे होता है न्यूरोग्लिया। ठीक है, ये कंपोनेंट होते हैं नर्वस टिश्यू के। तो इन दोनों कंपोनेंट्स के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब न्यूरोन या फिर नर्व सेल क्या होती है? वैसे तो न्यूरोन और नर्व सेल को हम एक सिनोनिमसली यूज करते हैं, लेकिन न्यूरॉन हम कब बोलेंगे? जब सेल नर्व सेल के साथ सारी प्रोसेसेस अगर प्रेजेंट हो। ठीक है, नर्व सेल न्यूरॉन इसको कब बोलेंगे? ए नर्व सेल विद इट्स ऑल प्रोसेसेस, जब इसकी सारी प्रोसेसेस जैसे कि डेंड्राइट्स, एक्सोन, ये सब चीजें भी हो, कलेक्टिवली इसको न्यूरॉन बोलेंगे। और न्यूरॉन या फिर नर्व सेल क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। इसके अलावा न्यूरॉन की जो है, न्यूरॉन क्या होता है फर्दर तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक इसके अंदर होती है सेल बॉडी, सेकेंड इसके अंदर होता है एक्सोन, एंड थर्ड वन इज द डेंड्राइट्स या फिर इसको डेंड्रोन बोला जाता है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर होता है ये ट्री लाइक ब्रांचेस अपीयर में होता है, इसलिए इसको डेंड्राइट्स या फिर डेंड्रोन का नाम। तो वन बाय वन पार्ट्स, इन पार्ट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट इसका हम, ये जो है ये एक न्यूरोन का स्ट्रक्चर हो गया, और ये न्यूरॉन कैसा है? ये न्यूरॉन है मेड्यूलेटेड न्यूरॉन, यानी कि एक मेडुलरी सीथ जो है इस एक्सोन को कवर करती है। ये यहाँ पे सेल बॉडी है या फिर सोमा है, जिसके अंदर न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोजी अपरेटस, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब चीजें पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो यहाँ से पार्ट निकलता है ये पार्ट होता है एक्सोन, जो कि टर्मिनल बटन्स के अंदर एंड हो जाता है, एंड ये जो पार्ट है ट्री लाइक ब्रांचेस इनको डेंड्राइट्स बोला जाता है। ठीक है, ये क्या होती है? डेंड्राइट्स होती है। तो ये तीन पार्ट हमें डिटेल में डिस्कस करने हैं, सेल बॉडी, एक्सोन एंड डेंड्राइट्स। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जैसे कि और स्ट्रक्चर की हम बात यहाँ पे करें, एक्सोन हिलोक होता है, ये जो पार्ट है सेल बॉडी का जहां से एक्सोन निकलता है, इमर्ज होता है, इस पार्ट को एक्सोन हिलोक बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ, ये जो मेडुलरी सीथ है यहाँ पे न्यूरोलेमा पाया जाता है, जिसको स्क्वान की सीथ बोला जाता है, एंड इसके अलावा यहाँ पे न्यूरोलेमिनल पाए जाते हैं जिनको स्क्वान सेल्स बोला जाता है, एंड ये जो एक्सोन का है इसको एक्सिस सिलेंडर या फिर एक्सोन सिलेंडर बोला जाता है, जो कि एक्सोप्लाज्म से भरा हुआ होता है। तो ये सब स्ट्रक्चर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, ये भी यहाँ पे क्या है, एक डिटेल में सेल बॉडी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेल बॉडी का ये स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये दिखाया हुआ है कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है, ये एक्सोन हिलोक हो गया इस साइड। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो है ये साइटोप्लाज्म, अब न्यू जो न्यूरॉन है इसके साइटोप्लाज्म को बोला जाता है न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, इसको न्यूरोप्लाज्म बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पे नीजल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, एंड ये फाइबर्स यहाँ पे पाए जाते हैं जिनको न्यूरोफिब्रिल्स बोला जाता है, जैसे कि न्यूरोफिब्रिल्स वन डेंड्राइट टू अनदर डेंड्राइट ये आ रहे हैं या फिर ये सेल बॉडी को पास कर रहे हैं, एंड इन दो जो फाइबर्स हैं इनके बीच का स्पेस को इंटरफिब्रिलर स्पेस बोला जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पाए जाते हैं सेल बॉडी के अंदर। तो सेल बॉडी इसको सोमा, साइटोन, न्यूरोसाइटोन या फिर पेरिकैरियोन, अलग अलग नाम से इसको बोला जाता है। ठीक है, सेल बॉडी, सोमा, साइटोन, न्यूरोसाइटोन या फिर पेरिकैरियोन।
अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल बॉडी के अंदर. न्यूक्लियस यहाँ पे होता है, न्यूरोप्लाज्म यानी कि क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो यहाँ पे होता है, कुछ न्यूरोफिब्रिल्स यहाँ पे होते हैं, एंड इसके अलावा इसके अंदर नीजल बॉडीज या फिर नीजल ग्रैन्यूल्स भी पाए जाते हैं. तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होगा? न्यूक्लियस जो है इज कॉमनली लार्ज होता है, स्फेरिकल, स्लाइटली ओवॉइड स्ट्रक्चर होता है, एंड सेंट्रली प्लेस्ड होता है विद इन पेरिकार्डियम. ठीक है, ये क्या होता है, जो सेल बॉडी थी, ये जो स्ट्रक्चर था यहाँ पे, तो ये सेल बॉडी यहाँ पे हो गई, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे न्यूरोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म. तो ये जो सेल बॉडी है इसके अंदर ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस लार्ज स्फेरिकल और स्लाइटली ओवॉइड स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रली प्लेस्ड होता है विद इन पेरिकार्डियम, यानी कि सेल बॉडी के सेंट्रली प्लेस्ड होता है. अब ये न्यूक्लियस जो है इसका साइज वेरी करता है, न्यूक्लियस का साइज वेरी कर सकता है विद द साइज ऑफ सेल एंड विद द स्टेट, विद इट्स स्टेट ऑफ एक्टिविटी. ठीक है, एक न्यूरॉन का जो साइज है, सेल का साइज है, एंड उसकी एक्टिविटी की स्टेट क्या है, कि वो ज्यादा एक्टिव है, कम एक्टिव है, या फिर एक तरह से एवरेज एक्टिव है. ठीक है, तो उस एक्टिविटी की स्टेट के ऊपर एंड उस न्यूरॉन के साइज के बेस के ऊपर न्यूक्लियस का साइज वेरी करता है. ठीक है, न्यूक्लियस का साइज वेरी करता है विद द वेरिएशन इन सेल साइज या फिर न्यूरॉन साइज और स्टेट ऑफ एक्टिविटी ऑफ द न्यूरॉन. इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर कुछ यहाँ पे क्रोमेटिन पार्टिकल्स पाए जाते हैं. ठीक है, इसके अंदर क्या है, क्रोमेटिन पार्टिकल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि फाइनली डिस्पर्स्ड यहाँ पे होते हैं. ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में. इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है न्यूरोप्लाज्म. ठीक है, यानी कि साइटोप्लाज्म जो होगा न्यूरॉन का, इसको बोला जाता है न्यूरोप्लाज्म. न्यूरोप्लाज्म के अंदर कुछ टाइप के यहाँ पे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं. ऑर्गेनल्स में यहाँ पे जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोजियापेटस, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, ये सब यहाँ पे देखे जाते हैं, एंड कुछ इंक्लूजन्स भी यहाँ पे होते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे न्यूमरस एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, रोड शेप के होते हैं, स्फेरिकल एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. इसके अलावा यहाँ पे फोस्फोलिपिड प्रोटीन इंक्लूजन्स भी पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. ठीक है, फोस्फोलिपिड प्रोटीन इंक्लूजन्स पाए जाते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे गोजी अपरेटस होता है, जो कि हाईली डिवेलपमेंट कॉम्प्लेक्स इंट्रा सेलुलर रेटिकुलर नेटवर्क होता है. ठीक है, हाईली डिवेल्प होता है एंड कॉम्प्लेक्स इंट्रा सेलुलर रेटिकुलर नेटवर्क यहाँ पे होता है गोजी अपरेटस का. राइबोसोम यहाँ पे पाए जाते हैं, जिनको न्यूरोनल राइबोसोम यहाँ पे बोला जाता है, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी यहाँ पे पाया जाता है. ठीक है, तो न्यूरोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब चीजें देखी जाती है. एंड नेक्स्ट यहाँ पे पाए जाते हैं सेंट्रोसोम. अब सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे डिवीजन नहीं होती है न्यूरॉन के अंदर. ठीक है, नो डिवीजन, लेकिन फिर भी क्या होता है, यहाँ पे सेंट्रोसोम पाए जाते हैं. ठीक है, फिर भी सेंट्रोसोम पाए जाते हैं. बेसिकली ये क्या होते हैं, जब इनका जो है रोल, हम बोल सकते हैं कि इनका अभी तक नोन नहीं है, रोल जो है इनका अननोन है. एंड बेसिकली जब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होती है, एम्ब्रियोनिक डिवेलपमेंट होती है, उस टाइम पे ये देखे जाते हैं. तो स्फेरिकल सेंट्रोसोम कंटेन्स अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल एंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमिच्योर मल्टीप्लाइंग न्यूरोब्लास्ट ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियोनिक डिवेलपमेंट. क्योंकि जब मेच्योर हो जाएगा, मेच्योर के अंदर कोई यहाँ पे डिवीजन नहीं होगी, तो कोई यहाँ पे सेंट्रोसोम नहीं होते हैं, तो ये पाए जाते हैं इमिच्योर मल्टीप्लाइंग न्यूरोब्लास्ट, यानी कि जो अर्ली स्टेजेस होती हैं एम्ब्रियोनिक डिवेलपमेंट की, उस टाइम पे सेंट्रोसोम यहाँ पे देखने को मिलते हैं. इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं कुछ इंक्लूजन्स. इंक्लूजन्स के अंदर यहाँ पे सबसे फर्स्ट होता है मिलेनिन. सबसे फर्स्ट यहाँ पे मिलेनिन पाया जाता है. ये एज डार्क ब्राउन और ब्लैक ग्रेन्यूल्स होते हैं कुछ सेल ग्रुप्स के अंदर. ठीक है, कुछ सेल ग्रुप्स के अंदर डार्क ब्राउन के या फिर ब्लैक ग्रेन्यूल्स ही पाए जाते हैं मिलेनिन के. सिकिन यहाँ पे होता है लिपोक्रोम ग्रेन्यूल्स. लिपोक्रोम ग्रेन्यूल्स जो है ये येलो और ऑरेंज कलर के होते हैं.
ठीक है, येलो और ऑरेंज कलर के ये होते हैं एंड ये पाए जाते हैं सीन इन सर्टेन सेल ग्रुप्स। ये भी क्या होते हैं, जैसे कि कुछ सेल ग्रुप्स के अंदर पाए जाते हैं, वैसे ही लिपोक्रोम ग्रेन्यूल्स भी कुछ सर्टेन सेल ग्रुप्स के अंदर पाए जाते हैं, स्पेशली जो कि ऑटोनोमिक गैंग्लिया एंड इन द रीजन ऑफ एक्सोन हिल। ठीक है, ऑटोनोमिक जो रीजन्स होते हैं ऑटोनोमिक गैंग्लिया के एंड जो हिलोक एक्सोन हिलोक के रीजन्स होते हैं वहां पे ये लिपोक्रोम ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। और ये जो अमाउंट है इन ग्रेन्यूल्स के या फिर येलो पिगमेंट्स के, इनको लिपोफ्यूजिन बोला जाता है, एज के साथ ये इंक्रीज होते जाते हैं। अदरवाइज इनको ये भी बोला जाता है कि ये एक तरह से बाई प्रोडक्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ लिपिड्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कुछ लिपिड्स भी पाए जाते हैं एंड लिपिड्स जो है ये पाए जाते हैं सिर्फ यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ड्रॉपलेट्स के अंदर पाए जाते हैं एंड कुछ ग्लाइकोजन यहाँ पे पाए जाते हैं। ये ग्लाइकोजन जो है ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर ही पाए जाते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर पाए जाते हैं, नॉट इन अडल्ट। अडल्ट के अंदर ये नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आयरन कंटेनिंग ग्रेनुलर डिपोजिट्स भी पाए जाते हैं। तो ये इंक्लूजन्स यहाँ पे पाए जाते हैं, मिलेनिन, लिपोक्रोम ग्रेन्यूल्स, लिपिड्स, ग्लाइकोजन एंड आयरन कंटेनिंग ग्रेनुलर डिपोजिट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है पार्ट न्यूरोफिब्रिल्स का। न्यूरोफिब्रिल्स क्या होते हैं, फाइन फिलामेंट्स होते हैं जो कि न्यूरोप्लाज्म के थ्रू पास होते हैं। ये न्यूरोप्लाज्म हो गया, इसके न्यूक्लियस के बाहर न्यूरोप्लाज्म हो गया, इसके अंदर पास होते हैं फ्रॉम डेंड्राइट टू एक्सोन। ठीक है, ये कहाँ से होते हैं, डेंड्राइट टू एक्सोन, जैसे कि ये आ रहे हैं यहाँ पे एक यहाँ से और ये ऐसे सेल बॉडी से पास होते हैं। तो ये न्यूरोफिब्रिल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है नंबर फोर्थ, नीजल ग्रेन्यूल्स और नीजल बॉडीज यहाँ पे पाए जाते हैं। स्कैटर्ड होते हैं, ये स्कैटर्ड फॉर्म थ्रू द साइटोप्लाज्मिक पोर्शन ऑफ द सेल एंड डेंड्राइट्स एक्सेप्ट एट द एक्सोन हिलोक फ्रॉम विच द एक्सिस सिलेंडर अराइजेस। ठीक है, ये स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्मिक पोर्शन जो होता है सेल का, यानी कि जो न्यूरोप्लाज्म है उसके अंदर। इसके अलावा ये डेंड्राइट्स के अंदर पाए जाते हैं, एक्सेप्ट कौन सा, जो एक्सोन हिलोक होता है फ्रॉम विच द एक्सिस सिलेंडर जहां से अराइज होता है। ठीक है, बाकी क्या है, ये यहाँ पे पाए जाते हैं नीजल ग्रेन्यूल्स या फिर नीजल बॉडीज। अब ये जो है यहाँ पे एक्सोन के अंदर कोई नीजल ग्रेन्यूल नहीं पाए जाते, लाइक एक्सोन हिलोक से ये जो है डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड ये क्या होते हैं एक्सोन के अंदर भी नहीं पाए जाते, सिर्फ ये क्या कहाँ होते हैं, जो सोमा होता है, सोमा का जो या फिर जो सेल बॉडी का जो न्यूरोप्लाज्म होता है एंड जो डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सेप्ट जो एक्सोन हिलोक वाला पार्ट है वहां पे नहीं पाए जाएंगे, एक्सोन के अंदर नहीं पाए जाएंगे। अब नीजल ग्रेन्यूल्स जो है जब ये डेंड्राइट्स के अंदर होते हैं तो ये रोड शेप के होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स के अंदर ये कोश या फिर हम बोल सकते हैं खुरदुरे होते हैं या फिर ये फ्लोसिलेंट होते हैं, यानी कि जैसे कि ये स्ट्रक्चर ऐसा होगा जैसे कि कोई भी एक थ्रेड हो गया, थ्रेड के अंदर ऐसे थोड़े थोड़े से यहाँ पे फाइबर्स नजर आते हैं हमें, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है या फिर ये जो एक तरह से शेप एक करेक्टरिस्टिक होता है इसको फ्लोसुलेंट बोला जाता है। ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स के अंदर ये कोर्स या फिर फ्लोसुलेंट पाए जाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स के अंदर ये ऑलमोस्ट डस्ट लाइक पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे नीजल ग्रेन्यूल्स पाए जा सकते हैं और जब इनकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज के ड्यूरिंग ये पाया गया है कि जो नीजल ग्रेन्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं एंड ये जो है क्या हो सकते हैं, बेसिक डाई से स्टेन किए जा सकते हैं, बेसिक डाई से ये स्टेन किए जा सकते हैं। इसके बाद नीजल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ये डिसअपियर हो जाते हैं फॉलोइंग इंजरी टू द नर्व सेल, जब नर्व सेल के अंदर इंजरी हो जाती है। ठीक है, नर्व सेल इंजर हो जाती है उस टाइम पे क्या होता है, नीजल ग्रेन्यूल डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं।
डैमेज टू द प्रोसेस इज लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ द न्यूरोन, सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंस हो जाए या फिर हाइपर पायरिक्सिया हो जाए. हाइपर पायरिक्सिया यानी हाइपर मीन्स ज्यादा, यहाँ पे क्या हो जाए अगर टेम्परेचर हाई हो जाए, और वो कितना हाई हो जाए अगर टेम्परेचर 41.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए, तो इस कंडीशन को हाइपर पायरिक्सिया बोलते हैं. ये कंडीशन क्यों होती है, जो हमारा थर्मल रेगुलेटर या फिर हम बोल सकते हैं जो एक तरह से जो टेम्परेचर रेगुलेटर सेंटर होता है जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं, अगर उस हाइपोथैलेमस के अंदर कोई भी चेंज आते हैं या फिर वो अच्छे से वर्क नहीं करता है, तो उस कंडीशन में हाइपर पायरिक्सिया कोज हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर रेगुलेट नहीं रह पाता है, तो ये हाइपर पायरिक्सिया कोज हो जाता है, या फिर पॉइजन्स के केस में, फैटिक के केस में. ठीक है, इन सब केसेस के अंदर क्या हो सकता है, नीजल जो नर्व सेल है उसके अंदर इंजरी हो जाती है, और ये क्या हो जाते हैं यहाँ पे नीजल ग्रैन्यूल्स डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को क्रोमेटोलाइसिस बोलते हैं. ठीक है, इस प्रोसेस को क्रोमेटोलाइसिस बोला जाता है. अब जब वापिस से नर्व सेल रीजनरेट करते हैं तो ग्रैन्यूल्स भी, नीजल ग्रैन्यूल्स भी रीअपियर हो जाते हैं. मेन फंक्शन जो है नीजल ग्रैन्यूल्स और नीजल बॉडीज का, ये है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फॉर इंट्रा सेलुलर यूज. सेल के विदिन जो जो यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे नीजल ग्रैन्यूल्स पाए जा रहे हैं, तो इन नीजल ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं इसके इंट्रा सेलुलर यूज के लिए, सेल के अंदर ही यूज करने के लिए. तो ये होते हैं नीजल ग्रैन्यूल्स. इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है एक्सोन. ठीक है, एक्सोन क्या होता है, एक्सोन एक प्रोसेस होती है नर्व सेल की, नर्व सेल बॉडी दैट कैरीज इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सोमा. अब हमने ये देख लिया कि ये ऐसे सोमा होता है या फिर सेल बॉडी होती है, अब यहां से इंपल्सिस को लेके जो जाएगा वो पोर्शन क्या होता है, उस पोर्शन को एक्सोन बोला जाता है. तो ये क्या करता है, अवे फ्रॉम सोमा, सेल बॉडी से ही अवे लेके जाता है. जनरली लॉन्ग होता है और फ्यू इसके अंदर ब्रांचेस होती है जिसको कोलेटरल्स बोलते हैं. न्यूरॉन हैव अ सिंगल एक्सोन विद इट्स एंड इट्स ब्रांचेस हेल्प इन कम्युनिकेटिंग विद इट्स टारगेट सेल. न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन के अंदर क्या होता है, एक सिंगल ये एक्सोन होता है जो कि लॉन्ग होता है, एंड इसकी ब्रांचेस जो होती है वो कम्युनिकेट करने में, जो भी टारगेट सेल है उसको कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है. अब ये वाला जो पोर्शन है जहां से ये डेंड्राइट का ये पोर्शन था, जहां से ये जिसको जहां से एक्सोन अराइज होता है, इसको एक्सोन हिलोक बोला जाता है. तो ये जो एक्सोन हिलोक है ये एक ऐसा पार्ट है जहां से एक्सोन, एक ऐसा पार्ट है एक्सोन का वेर इट इमर्जेस फ्रॉम द सोमा, जो कि सेल बॉडी से ये अराइज होता है. एक्सोन हिलोक जो होता है, इस एक्सोन हिलोक वाले पोर्शन के पास सबसे हाईएस्ट डेंसिटी होती है वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल्स की. ठीक है, इसके पास क्या होता है, हाईएस्ट डेंसिटी होती है वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल्स की, एंड इलेक्ट्रोफिजिकली ये मोस्ट इजिली एक्साइटेड पार्ट होता है न्यूरोन का. ठीक है, एक्सोन हिलोक के अंदर क्या होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, एंड ये पार्ट जो है ये इलेक्ट्रोफिजिकली मोस्टली, इलेक्ट्रोफिजिकली ये सबसे इजिली या फिर मोस्ट इजिली एक्साइटेड पार्ट होता है न्यूरॉन का. तो एक्सोन क्या करता है, सेल बॉडी से इम्पल्सिस लेके जाता है, एंड ये जो है टारगेट सेल तक कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है. इसके अलावा जो ये पोर्शन है एक्सोन हिलोक, एक्सोन हिलोक के पास हाईएस्ट डेंसिटी होती है वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल्स की, एंड ये इलेक्ट्रोफिजिकली मोस्ट इजिली एक्साइटेड पार्ट होता है न्यूरॉन का. अब ये जो यहाँ पे हमने ये बात की थी कि ये वाला जो पोर्शन है ये एक्सोन हिलोक है, ठीक है, यहां से एक्सोन ये जो है यहां से, ये वाले पार्ट हो गए. ठीक है, अब इसके अंदर ये एक्सोन हिलोक हो गया, ये एक्सोन पार्ट हो गया. अब इसके अंदर ये जो पूरा का पूरा ये सिलेंडर है जिसको एक्सोन हमने बोला है, इसको एक्सिस सिलेंडर बोलते हैं, और इस एक्सिस सिलेंडर के अंदर पाया जाता है एक्सोप्लाज्म.
है, इसके अंदर एक्सोप्लाज्म पाया जाता है। एक्सोप्लाज्म क्या होता है? एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है जो कि इसेंशियल होता है न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ ऑफ द नर्व फाइबर। ठीक है, यहाँ पे एक्सोप्लाज्म के अंदर एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस पाया जाता है जो कि न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ जो होती है नर्व फाइबर की, उसके लिए इसेंशियल होता है। इसके अंदर न्यूरोफिब्रिल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाते हैं। अभी जो एक्सोन है ये एंड हो जाता है न्यूमरस टर्मिनल बटन, जिनको एक्सोन टीलोडेंड्रिया बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनल बटन्स या फिर एक्सोन टीलोडेंड्रिया के अंदर ये एंड हो जाता है। अब नर्व फाइबर भी दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ये एफरेंट हो सकते हैं या तो ये इफरेंट हो सकते हैं। एफरेंट इनको कब बोला जाता है? जब ये इंपल्सिस कैरी करते हैं, विच कैरी इंपल्सिस टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंपल्सिस लेके जाते हैं तो ये एफरेंट कहलाते हैं। इफरेंट कब कहलाएंगे? जब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पेरिफ्री जो पार्ट है, पेरिफ्रल वाले, उन तक लेके जाते हैं, तब ये क्या हो गए? इफरेंट हो गई। एफरेंट कब होंगे? जब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएंगे, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जब ये लेकर आएंगे इंपल्सिस को और ये पेरिफ्री तक लेके जाएंगे, तब ये इफरेंट नर्व फाइबर कहलाता है। इसके बाद थर्ड पोर्शन आता है, थर्ड पोर्शन है यहाँ पे डेंड्राइट और डेंड्रोन। ठीक है, डेंड्राइट और डेंड्रोन जो कि ट्री लाइक अपीयरेंस होती है, तो डेंड्राइट और डेंड्रोन इज द प्रोसेस दैट कैरीज इंपल्सिस टुवर्ड द सेल बॉडी। डेंड्राइट्स और डेंड्रोन जो है, ये वाले जो पार्ट, ठीक है, ये वाले जो पार्ट है, सही, ये वाले पार्ट क्या है? ये वाले पार्ट है डेंड्राइट्स या फिर डेंड्रोन। डेंड्राइट और डेंड्रोन क्या करते हैं? ये इंपल्सिस को सेल बॉडी तक लेके आते हैं। ये सेल बॉडी तक लेके आते हैं, फिर इंपल्सिस ऐसे जाती हैं। ठीक है, ऐसे जाती हैं फिर इंपल्स। तो सबसे फर्स्ट ये जो डेंड्राइट और डेंड्रोन क्या करते हैं, ये इंपल्सिस को लेके आते हैं टुवर्ड्स द सेल बॉडी। इट कलेक्ट्स इंपल्सिस फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एंड कैरीज देम टुवर्ड्स द सेल बॉडी। अब फॉर सपोज यहाँ पे एक दूसरा टाइप का ये जो है टर्मिनल बटन्स है, ये टर्मिनल बटन्स है, और ये एक्सोन है, फिर ये डेंड्राइट्स है। ठीक है, अब ये क्या है? ये एक न्यूरॉन है, ये सेकंड न्यूरॉन है। अब फर्स्ट न्यूरॉन का जो टर्मिनल एंडिंग्स है या फिर टर्मिनल बटन्स है, ये क्या करते हैं? ये इस सेकेंड न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं, इनके साथ कम्युनिकेट करते हैं और कम्युनिकेट करके इंपल्सिस इनको दे देते हैं। ठीक है, ऐसे इंपल्सिस ट्रैवल करती है। एक न्यूरॉन से इंपल्सिस आई, वो सेकेंड को ऐसे ट्रैवल करती है। तो ये क्या होते हैं? ये कलेक्ट करते हैं इंपल्सिस फ्रॉम अदर न्यूरोन। ये दूसरा न्यूरोन है, इससे इंपल्सिस को क्या कर रहे हैं? कलेक्ट कर रहे हैं, एंड ये सेल बॉडी तक कैरी कर देते हैं। ठीक है, ये सेल बॉडी तक लेके जाते हैं, फिर ये ऐसे जो है इंपल्सिस चलती रहती है। इट इज जनरली शॉर्ट होता है विद मैनी ब्रांचेस एंड कंटेन नीजल ग्रैन्यूल्स। नीजल ग्रैन्यूल्स हमने देखा था, ये एक्सोन हिलोक और ये जो पार्ट है एक्सोन, इनके अंदर नो नीजल ग्रेन्यूल। ठीक है, नो नीजल ग्रेन्यूल, लेकिन जो सेल बॉडी और जो डेंड्राइट है, इनके अंदर क्या है? इनके अंदर नीजल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली इनके अंदर नीजल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। नंबर इनका वेरी कर सकता है नील टू न्यूमरस। ठीक है, ये जो ब्रांचेज यहाँ पे होती है, ठीक है, शॉर्ट एंड विद मैनी ब्रांचेज ये होते हैं। तो ये होता है एक डेंड्राइट और डेंड्रोन। और ये जो इंपल्सिस यहाँ पे जाती है, यहाँ पे एक साइनेप्स बनता है जिसको हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो टर्मिनल पार्ट है, टर्मिनल पार्ट्स जो है, ये क्या करते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर्स को भी रिलीज करते हैं। तो ये पार्ट्स हो गए यहाँ पे डेंड्राइट्स और डेंड्रोन के। ये प्रोसेसेस क्या करते हैं? ये प्रोसेसेस सेल बॉडी तक, टुवर्ड्स द सेल बॉडी क्या करते हैं? इंपल्सिस को लेके आते हैं, एंड इंपल्सिस को अदर न्यूरोन से कलेक्ट करके ये सेल बॉडी तक लेके आते हैं। नीजल ग्रैन्यूल्स इनके अंदर पाए जाते हैं, जनरली शॉर्ट एंड ब्रांच्ड ये होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं डेंड्राइट्स और डेंड्रो।
इसके बाद हमने बात की थी कि जो नर्वस टिश्यूज हैं उनके वो दो के अंदर डिवाइड हम करते हैं, एक होता है न्यूरॉन, सेकंड होता है न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन के बारे में हमने देख लिया है, ठीक है। न्यूरॉन के अंदर क्या होता है, न्यूरॉन के अंदर सेल बॉडी होती है, एक्सोन और डेंड्राइट होते हैं। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूरोप्लाज्म वहां पे होता है। न्यूरोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट काइंड की ऑर्गेनल होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोजिया, प्रेटस, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ इंक्लूजन्स होते हैं जैसे कि मिलेनिन हो गया, लिपोक्रोम ग्रेन्यूल्स हो गए, लिपिड्स हो गए, ग्लाइकोजन्स हो गए, एंड आयरन कंटेनिंग बॉडीज कुछ हो गई, ग्रेन्यूल डिपोजिट्स कुछ हो गई, ठीक है। एंड थर्ड पोर्शन था वहां पे न्यूरोफिब्रिल्स एंड देन नीजल ग्रेन्यूल्स। फिर हमने डिस्कस किया एक्सोन के बारे में, फिर डेंड्राइट्स के बारे में। अब पोर्शन आता है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया एक स्पेशल टाइप का इंटरस्टिशियल टिश्यू होता है, ठीक है। एक स्पेशल टाइप का इंटरस्टिशियल टिश्यू होता है जो कि ग्रे एंड व्हाइट मैटर दोनों के अंदर पाया जाता है। अब ये ग्रे मैटर व्हाइट मैटर इनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये ग्रे एंड व्हाइट मैटर जो है इन दोनों के अंदर ये न्यूरोग्लिया पाया जाता है। न्यूरोग्लिया के अंदर कुछ डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स या फिर सेल टाइप्स होते हैं। इसके अंदर एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोग्लिया और ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड माइक्रोग्लिया, ये इसके अंदर तीन टाइप के सेल टाइप्स बोल सकते हैं या फिर कंपोनेंट्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एस्ट्रोसाइट्स की अगर हम बात करें, एस्ट्रोसाइट्स के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स हो सकते हैं या तो ये फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स हो सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ओलिगोडेंड्रिया फिर ओलिगोडेंड्रोसाइट की फ्यू प्रोसेसेस होते हैं, माइक्रोग्लिया स्मॉल इन साइज ये होता है। और रीजन की अगर हम बात करें इनकी, तो यहाँ पे जो माइक्रोग्लिया है, ठीक है, माइक्रोग्लिया क्या होता है, मीजोडर्मल इन ओरिजन होता है। मीजोडर्मल इन ओरिजन ये होता है। एंड जो एस्ट्रोसाइट्स और ओलिगोडेंड्रोग्लिया जो होता है ये एक्टोडर्मल इन ओरिजन होता है। ये कैसा होता है, एक्टोडर्मल इन ओरिजन होता है, ठीक है। तो ये होते हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप के न्यूरोग्लिया की सेल टाइप्स। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम इन अलग अलग टाइप्स के ये जो सेल टाइप्स है इनके इनके डायग्राम को देखें, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये। सबसे फर्स्ट है ये ओलिगोडेंड्रिया, ठीक है, ये है ओलिगोडेंड्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्रोग्लिया। सेकेंड यहाँ पे है प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है, ये प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स है। एंड सी यहाँ पे है फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स, एंड ये यहाँ पे है माइक्रोग्लिया। तो ये तीन टाइप के यहाँ पे कंपोनेंट पाए जाते हैं न्यूरोग्लिया के अंदर। फंक्शंस न्यूरोग्लिया के मेन है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, इंसुलेशन एंड फैगोसाइटोसिस, ये फंक्शंस होते हैं यहाँ पे न्यूरोग्लिया के। तो यहाँ पे हमने न्यूरोग्लिया के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है नर्वस टिश्यू के अंदर न्यूरॉन के बारे में, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था सेल बॉडी, एंड सेकंड हमने डिस्कस किया था एक्सोन, एंड थर्ड हमने डिस्कस किया था डेंड्राइट या फिर डेंड्रोन्स के बारे में, एंड सेकंड हमने डिस्कस किया यहाँ पे न्यूरोग्लिया के बारे में। एंड न्यूरोग्लिया के अंदर हमने जैसे देखा यहाँ पे एस्ट्रोसाइट्स होती है, एंड एस्ट्रोसाइट्स के अलावा यहाँ पे माइक्रोग्लिया होता है, एंड सेकंड यहाँ पे ओलिगो डेंड्रोग्लिया यहाँ पे होता है, एंड थर्ड यहाँ पे माइक्रोग्लिया होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है नर्वस टिश्यू के हमने डिस्कस यहाँ पे कर लिए हैं। तो अगर क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि स्ट्रक्चर क्या होगा न्यूरॉन का, या फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होगा न्यूरॉन का, तो दोनों के आंसर ये सेम ही होंगे, ठीक है। तो न्यूरॉन का अगर पूछा है तो ये तीन पार्ट्स यहाँ पे डिस्क्राइब करना पड़ेगा, अगर न्यूरोग्लिया का पूछा है तो ये वाले पार्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। अगर सिर्फ न्यूरॉन का पूछा है तो ये न्यूरोग्लिया के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट डिफरेंट काइंड की क्लासिफिकेशन, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन के टाइप्स की जो टाइप्स हैं या फिर इसकी क्लासिफिकेशन है, अलग अलग टाइप पे, फंक्शन के बेस पे, ओरिजिन के बेस पे, डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे, तो डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।